हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इन जो चारों टर्म है उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो वेरी फर्स्ट एटम, व्हाट इज एटम? सो एटम इज नथिंग बट इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो ये क्या होता है? जो भी मैटर होता है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक पर्टिकुलर मास हो और उसका कोई वो क्या करता हो, जगह घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे हम बोलते हैं मैटर। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो भी मैटर का स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होता है ऐसे, उसे हम बोलते हैं दैट इज़ एटम। देन नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? दैट इज़ टू और मोर एटम कम टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम साथ में आते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। यस, देन मॉलिक्यूल के बाद नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट। सो एलिमेंट इज़ व्हाट? दैट इज़ प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एलिमेंट क्या होता है? जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। देन कंपाउंड, व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर केमिकली बॉन्डेड। यहाँ पर क्या होता है, इन एलिमेंट में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं, कंबाइन होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम, बट इन कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं। बट कौन से टाइप के होंगे? वो डिफरेंट टाइप के होंगे, उसे हम बोलते हैं दैट इज इट इज़ अ कंपाउंड। ये जो हमारे चारों टर्म्स है, ये तो एक डेफिनेशन के फॉर्म में, बट उसको हम एक इजी फॉर्म में समझ लेते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड होता क्या है। यस, सो फर्स्ट हम एटम समझ लेते हैं कि एटम क्या होता है। सो एटम इज़ व्हाट? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। यस, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी मैटर है एक, तो छोटे छोटे पार्टिकल से ही बना रहता है। यस, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। फॉर एग्जांपल हम इसे ले लेते हैं, डैट इज़ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। यस, तो उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे स्मॉल स्मॉल, वो किसके होंगे? वो हाइड्रोजन के ही होंगे, किसी दूसरे एलिमेंट का तो होगा नहीं ना। इस तो उसके अंदर जो भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे? वो हाइड्रोजन के ही होंगे। सो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। देन नेक्स्ट, जब एटम कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल। क्या कंबाइन होता है? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? यस, टू और मोर एटम कम टुगेदर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हेन टू और मोर एटम कम टुगेदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम साथ में आ जाते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, यस, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, डैट इज H2। दिस इज अ मॉलिक्यूल H2। अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहता है तो वो क्या रहता है? वो एलिमेंट रहता है ना, उसे हम एक एटम बोल सकते हैं। बट यहाँ पे दो आ गया, यहाँ पे टू आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बोल देंगे हम इसको, तो इट इज़ अ मॉलिक्यूल्स। देन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। यस, जब मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है? एलिमेंट फॉर्म होता है। सो यहाँ पर एलिमेंट को कैसे बोल सकते हैं हम? दैट इज सेम काइंड ऑफ एटम। व्हाट? सेम काइंड ऑफ एटम जब रहते हैं तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब क्या है? एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट है ये हाइड्रोजन। तो उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम रहेंगे, जो भी एटम रहेंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे। ऑक्सीजन में जो भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। नाइट्रोजन में जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो नाइट्रोजन के होंगे। वैसे हम मॉलिक्यूल्स में भी एग्जांपल ले सकते हैं, डैट इज़ व्हाट, H2। तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब रहेंगे बहुत सारे, तो वो क्या रहेगा? दैट इज H2। इसके अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल कम। किसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल H2 के ही रहेंगे इसके अंदर। यस, देन एलिमेंट, व्हेन एलिमेंट कंबाइंड इट फॉर्म कंपाउंड। यस, सो कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट आइटम। यस, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट आइटम। तो यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट आइटम होते हैं। यस, फॉर एग्जांपल, HCl,
यस, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ना, डिफरेंट आइटम है, डेट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, दोनों कंबाइन हो गए तो क्या फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। वैसे ही NaCl भी ले सकते हैं हम, H2O। यस, जब दो डिफरेंट एलिमेंट आ जाएंगे ना, डिफरेंट आइटम कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड। बट जब सेम एलिमेंट रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेम आइटम रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट। यस, सो एटम इज वॉट, डेट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन। देन व्हेन एटम कंबाइन, जब एटम कंबाइन होता है, यस, तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टू और मोर एटम कम टुगेदर, एग्जाम्पल इज डेट इज H2 मॉलिक्यूल्स। देन व्हेन मॉलिक्यूल्स कंबाइन, इट फॉर्म एलिमेंट। एलिमेंट इज वॉट, डेट इज व्हेन सेम काइंड ऑफ एटम इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दिस आर ऑल द एग्जाम्पल। देन व्हेन एलिमेंट कंबाइन, इट फॉर्म कंपाउंड। यस, सो व्हाट इज कंपाउंड, व्हेन डिफरेंट आइटम्स कम टुगेदर, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, सो दिस इज अ कंपाउंड। यस, सो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।